नमस्ते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज एक फिर नए रेसिपी के साथ। तो आज हम लोग बना रहे एक ऐसा नाश्ता, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके लिए मैं लिया हूँ कैरेट और आलू। कैरेट और आलू को इस तरह से कटिंग कर लेना है, जैसे मैं काट रहा हूँ आप लोग देख पा रहे होंगे। पतला पतला काट लेना है, इस तरह से आप लोगों को काट लेना है। जब काटने के बाद अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। जब कटिंग हो जाए इसे अच्छे से वाश कर लेना। वाश करने के बाद अब हम इसे बॉईल करते हैं। बॉईल में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पानी गर्म करना है। जब पानी उबलना स्टार्ट हो जाए तब इसे डाल देना है। डालने के बाद ऐड करना है सॉल्ट। जब ये बॉईल हो जाए, पूरा मैसी नहीं करना दोस्तों, जब ये बॉईल हो जाए इसको निकाल देना है छन्नी में। ध्यान रखना दोस्तों, पूरा पानी निकल जाए। अब इसे रेस्ट देते हैं 15 मिनट तक। जब अपना ये ठंडा हो जाए तब हम मैरिनेट करते हैं। इसके ऊपर ऐड करते हैं जीरा, होल जीरा, और ग्रीन चिली चॉप। ग्रीन चिली चॉप बारीक से काट लेना दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। कोरिएंडर चॉप भी बारीक से काट लेना दोस्तों, एकदम पतला पतला। तो चलिए ये सब डालने के बाद हम मसाला ऐड करते हैं। मसाला में लेना सॉल्ट, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट। सॉल्ट डालने के बाद अब ऐड करना हल्दी पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत कम लेना दोस्तों, क्योंकि हम इसे पैन में टॉस करने वाले, तो ज़्यादा हल्दी का फ्लेवर ना आए। अब हम ऐड करते हैं जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। अब हम गरम मसाला ऐड करते हैं दोस्तों। इन सारे मसाला को ऐड करने के बाद हम इसे सही से मिला देते हैं। ध्यान से मिलाना दोस्तों, ज़्यादा मिलाओगे तो आलू टूट सकता है। आलू और गाजर ध्यान से मिलाना, ताकि अपना जो मसाला वो मैसी ना हो, जैसे है वैसे ही रहे। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोग मैरिनेशन हो गया मैरिनेट। अब हम ऐड करते हैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डाल के इसे सही से मिला देंगे दोस्तों। कॉर्नफ्लोर डालने से आपका जो आलू और गाजर है वो एकदम क्रिस्पी बनेगा। और अगर आप इसे सॉफ्ट बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे पतला रख सकते हो बैटर। ज़्यादा पतला नहीं रखना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पानी डाल के आप लोग इसे इसी स्टेज में छोड़ना है दोस्तों। ऐसे ही आप लोगों को छोड़ना है। ये थोड़ी देर रहेगा तो अपने आप थोड़ा सा वाटरी हो जाएगा। तो अब हम इसे अंडा तोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अंडा तोड़ लेते हैं। अंडा तोड़ के शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए मैं पैन ले आऊँ। पैन में ऑयल डाल के गर्म कर लेना पैन को। अब हम आलू को इस तरह से कुछ बनाने, आप लोग देखिए मैं जैसे ही कर रहा हूँ, आप लोगों को ऐसे ही बनाने। आलू हाथ पर डाल के पहले हाथ में पानी या तो ऑयल कुछ ना कुछ लगा लेना, पानी या तो ऑयल में से कुछ भी आप चॉइस कर सकते हो, ताकि अपने हाथों से आराम से निकल सके। इस तरह से बीच में होल करके आप लोगों को पैन में ऐड करना है। ये देखिए दोस्तों, पैन में जब नीचे का पार्ट हो जाए तब हम इसमें अंडा डालते हैं। अंडा का येलो पार्ट ऐड करते हैं। अंडे के येलो पार्ट में आप लोगों को टेस्टी आएगा। आप लोग चाहे तो अंडा का व्हाइट वाला जो हिस्सा होता है वो भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, जब एक साइड में हो जाए तो इसको पलटा देना है। इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में। ये नाश्ता एकदम सॉफ्ट और जूसी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। एकदम बढ़िया टेस्ट आता है। 10 मिनट के अंदर ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना सॉफ्ट बना है, और आप लोग देखने पे पता चल रहा होगा कितना टेस्टी बना है यह नाश्ता। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए दोस्तों, तो लाइक शेयर।